किशनगंज के टेढ़ागाछ में भीषण आग लगने से अफरातफरी का माहौल। पान दुकान में अचानक आग लगने से हजारों की सामान जलकर राख। दमकल कर्मियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। टेढ़ागाछ थाना अध्यक्ष धनजी कुमार ने अपने सूझबूझ से दर्जनों दुकानों को राख होने से बचाया। आग लगी की घटना से जुड़ी क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, बने रहे हमारे साथ अंत तक। दरअसल पूरा मामला जो है वो किशनगंज के टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र का है, जहां अचानक टेढ़ागाछ के बस स्टैंड के समीप एक पान दुकान में आग लगने की घटना घटित हो गई है। इस आग लगी में पान दुकान के सारा सामान जलकर राख में तब्दील हो गया है। आग लगी की घटना के बाद टेढ़ागाछ में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। स्थानीय दुकानदारों व दमकल कर्मियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। टेढ़ागाछ थाना अध्यक्ष धनजी कुमार को जब आग लगी की घटना के बारे में जानकारी मिली तो वो तुरंत दमकल कर्मियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास में जुट गए। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक देर हो चुकी थी। इस आग लगी में पान दुकान के सारा सामान जलकर राख हो गया है। वहीं टेढ़ागाछ थाना अध्यक्ष धनजी कुमार ने बताया कि बस स्टैंड टेढ़ागाछ के समीप हाडगांव पंचायत निवासी वारिस आलम के पान दुकान में लगी आग से एक भी सामान नहीं बच पाया है। उन्होंने बताया कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो कई दुकान आग के जद में आकर जलकर राख में तब्दील हो जाता। इस मामले पर अंचल अधिकारी से जब बात की तो उन्होंने बताया कि जांच कर रिपोर्ट आने के बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आग लगी के कारणों का नहीं पता चल पाया है। ग्रामीणों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की वजह बताई जा रही है।